Dear students, I welcome you all. Today in this video, I will be discussing with you an interesting poem, and the name of the poem is Miracle, written by Walt Whitman. So, what is miracle? Miracle kya hota hai? An extraordinary event manifesting divine intervention in human affairs. Extraordinary event. ठीक है, शोइंग मतलब डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स. ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट है ये. ठीक है, दूसरा इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग और अनयूजुअल इवेंट आर थिंग आर एकम्पलिशमेंट. एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग, शानदार. ठीक है, शानदार एक मतलब जो भी इवेंट हो उसे मिराकल कहते हैं. ठीक है, तो ये हैं वॉल्ट विटमैन, इन्होंने ये पोएम मिराकल्स लिखी है. और मिराकल कहते हैं एक अनयूजुअल इवेंट, लेकिन इनकी क्या परसेप्शन है, इनका क्या व्यू है रिगार्डिंग मिराकल, तो हम इस पोएम में आज ये पढ़ेंगे. ठीक है, वॉल्ट विटमैन May 31, 1819 and died on March 26, 1892 was an American poet, essayist and journalist, a humanist. Humanist होता है मतलब relating to or supporting the principles of humanism. ठीक है, values of human beings को जो क्या करे, support करे. ठीक है, he was a part of the transition between transcendentalism and realism. Transcendentalism एक idealistic philosophy है. ठीक है, और realism जो है वो practicality मतलब pragmatism पे based है. ठीक है, incorporating both views in his works, दोनों views यानी कि transcendentalism भी और realism भी. Whitman is among the most influential poets in the American canon. American जो list है तो उस list में जो है काफ़ी influential जो है काफ़ी एक मुतासर कुन काफ़ी मतलब एक मतलब ये कह सकते हैं कि बड़ा एक poet रहे हैं. Often called the father of free verse. Free verse के ये father रहे हैं. ठीक है, his work was controversial इन इट्स टाइम. तो इनका जो ये काम था ये कंट्रोवर्शियल था. ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, काफ़ी डिस्प्यूट खड़ा हुआ है. पर्टिकुलरली हिज पोइट्री कलेक्शंस लीव्स ऑफ ग्रास, जो लीव्स ऑफ ग्रास जो इसकी पोइट्री कलेक्शन है उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी. विच वॉज डिस्क्राइब्ड एज ऑब्सीन. ऑब्सीन मीन्स इमोरल. ठीक है, इमोरलिटी के रिलेटेड, इमोरलिटी के रिलेटेड, इंडिसेंसी के रिलेटेड. ठीक है, फॉर इट्स अवर्ट सेंसुअलिटी. सेंसुअलिटी मीन्स सेक्सुअल प्लेजर के रिलेटेड, सेक्सुअलिटी के रिलेटेड ये पोएम लिखी है. और ये पोएम जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही है, ये पोइट्री कलेक्शन. ठीक है, विटमैन्स ओन लाइफ केम अंडर स्क्रूटनी for his presumed homosexuality. Presumed means supposed. Homosexuality means a sexual attraction between the same sex persons. ठीक है, तो इनके works हैं Franklin Evans published in 1842, The Hob Breed, A Tale of the Western Frontier published in 1846, Life and Adventures of Jack Ingle serialized in 1852, Leaves of Grass, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये कलेक्शन है पोइट्री की, 1855, द फर्स्ट ऑफ सेवन एडिशंस थ्रू 1891, मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग 1858, ड्रम टैप्स 1865, डेमोक्रेटिक विस्टॉस 1871, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर 1876, स्पेसिमेन डेज 1882. तो ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं. ठीक है, तो
अब इंट्रोडक्शन है इस पोएम की. जनरली द वर्ड मिराकल, जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखा कि मिराकल क्या होता है, अब ये और एक्सप्लेन कर रहे हैं. जनरली द वर्ड मिराकल इज अंडरस्टूड टू बी समथिंग हैपनिंग अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है. बट दिस पोएम प्रेजेंट्स ऑल टुगेदर ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन इस पोएम में वाल्ट विटमैन जो है मिराकल के रिलेटेड जो है वो एक अलग जो है वो अपना एक आइडिया दे रहे हैं, अलग अपना व्यूज जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. द पोइट ड्रॉज हिज मिराकल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, हर एक चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो मिराकल जो है वो ड्रा कर रहे हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम द पीपल एंड द सिटी लाइफ आर फुल ऑफ मिराकल्स. लोग और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो मिराकल से भरी हुई है, अजूबों से भरी हुई है. नेचर इट्सेल्फ इज़ ए सिंबल ऑफ मिराकल, जो नेचर है, ठीक है, कुदरत जो है वो भी मिराकल से भरी हुई है. और वो मिराकल जो है, मिराकल की एक क्या है, सिंबल है, निशान है, मिराकल रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. अब इस पोएम की ये थोड़ी सी समरी है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं. द पोएम मिराकल्स हैज़ बीन रिटन बाई वाल्ट विटमैन, ठीक है. ही यूजेस फ्री वर्स इन द पोएम, इनको वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा है, मतलब जो राइम और रिदम से बाहर हो, ठीक है. इन दिस पोएम द पोइट वांट्स टू कन्वे ए मैसेज दैट मिराकल्स आर नॉट अनएक्सपेक्टेड. मिराकल्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड नहीं हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट्स नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, मिराकल्स हैपन एवरी मिनट, हर मिनट जो हैं ये मिराकल्स जो हैं वो रोनमा होते हैं. एवरी सेकेंड अकॉर्डिंग टू हिम मिराकल्स हैपन इन आवर डेली लाइफ. वो मिराकल्स डे टू डे लाइफ को कहता है कि मिराकल्स डे टू डे लाइफ में जो है वो एवरी सेकेंड एवरी मिनट जो है मिराकल्स रोनमा हो आकर हो रहे हैं. फॉर हिम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहैटन, मैनहैटन एक पॉपुलर सिटी है कि अमेरिका में, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहैटन इज ऑल्सो ए मिराकल, इज ए मिराकल. ही पॉन्डर्स थिंक्स ओवर द नेचर एंड सेज दैट द वास्ट एक्सपेंस of the sky, the soothing effect of waves, watching stars in the moonlight, standing under the shade of the trees, watching the activities of honeybees during summer days, animals feeding themselves in the fields, feeling the sun on our faces and observing the fine thin curve of the new moon in spring are all miracles. ये तमाम चीज़ें जो है ये miracles हैं. किसके लिए? वॉल्ट विटमैन के लिए. द पोइट फर्दर सेज दैट हैविंग कन्वर्सेशन विद लव्ड वंस, बातचीत अपने प्यारों के साथ, नज़दीकियों के साथ जो बातचीत है, डिनर विद आवर फैमिली, अपने घर के मेंबर्स के साथ जो डिनर करना, रात का खाना, एंड लुकिंग एट द स्ट्रेंजर्स सिटिंग ऑपोजिट टू अस इन द कार आर ऑल मिराकल्स. कार यहाँ पे अंडरग्राउंड ये ट्रेन, ठीक है, वहाँ पे उस ट्रेन में, अंडरग्राउंड ट्रेन में ऑपोजिट में बैठ के जो भी लोग हमें दिखते हैं, अजनबी जो लोग दिखते हैं, तो ये भी क्या है, मिराकल्स हैं. द पोइट फाइनली वाइंड्स अप मींस कंक्लूड्स हिज काउंट ऑफ मिराकल्स बाय सेइंग दैट देयर आर लिमिटलेस मिराकल्स, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई गिनती ही नहीं है मिराकल्स की, हैपनिंग एवरी डे, जो रोज़ाना जो है वो हो रहे हैं, रोनमा हो रहे हैं. द एंडलेस सीज, समुंदर जिसका एंड ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है सी. द इनॉर्मस फिशेस, बड़ी बड़ी और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो मछलियां हैं. द ब्यूटीफुल रॉक्स, द मोमेंट ऑफ द वेव्स एंड द सेलिंग ऑफ द शिप्स विद मैन इन देम आर ऑल मार्वलस एंड मिराकल्स टू हिम, ठीक है. तो ये वाल्ट विटमैन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिराकल्स क्या हैं, ठीक है. इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? पीपल जनरली थिंक दैट मिराकल्स हैपन रेयरली, कि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, कभी कभी
हैपन होता, कभी कभी होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा वॉल्ट विटमैन ऐसा जो है वो उसका नहीं है। दे कंसिडर दैम अनएक्सपेक्टेड एंड सुपर नेचुरल इवेंट्स, बट इन द पोएम विटमैन प्रेजेंट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट ओपिनियन आइडिया अबाउट मिराकल्स। ही बिलीव्स दैट मिराकल्स हैपन ऑल द टाइम अराउंड अस, हर वक्त जो है वो ये मिराकल हो रहा है, ठीक है। तो अब इस पोएम का टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को हम वाई हु मेक्स मच ऑफ मिराकल हैज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिराकल्स, वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन आर डॉट माई साइट डॉट यानी पे फेंकना नजर दौड़ाना, माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ द हाउसेज टूवर्ड्स द स्काई आर वेट वेट होता है पानी में से पैदल चलना, विद नेक्ड फीट नंगे पाँव अलॉन्ग द बीच जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर आर स्टैंड अंडर द ट्रीज इन द वुड्स वुड्स यानी पे फॉरेस्ट आर टॉक बाई डे विद एनी वन आई लव आर सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट। ठीक है, तो ये लाइन्स हैं, तो इसमें वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो मिराकल्स को काफ़ी मतलब ऐसा समझते हैं कि ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, ठीक है, बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि मिराकल क्या होता है और ये रेयरली होता है, कभी कभार होता है। लेकिन जो वॉल्ट विटमैन है ये वो समझ नहीं पाते हैं कि ये वजह क्या है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो मिराकल्स होते हैं वो कभी कभार अक्कर होते हैं, कभी कभार रोनमा होते हैं। अब ये पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड करने में काबिल अंडरस्टैंड करने में मतलब काबिल नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोग क्यों सोचते हैं कि मिराकल कभी कभार होता है, ठीक है। वेदर एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिराकल्स, उसके लिए जो है मिराकल जो हैं वो हर तरफ हर वक्त मिराकल्स ही मिराकल हैं। वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, जब मैनहट्टन के स्ट्रीट्स पे वो चलता है और जब नज़र दौड़ाता है ओवर द रूफ्स ऑफ द हाउसेस टुवर्ड्स द स्काई, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें या ऊपर जो आसमान की तरफ नज़र लगा दौड़ाता है नज़र डालता है या पानी नंगे पानी में से नंगे पैर जो है जब पास होता है आर स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स या फॉरेस्ट में पेड़ों के नीचे जो है वो बैठा हुआ होता है या आर टॉक बाय डे विद एनीवन आई लव बात कर रहा होता है जिससे प्यार करता है या बैठा होता है अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ डिनर पे, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके लिए क्या है मिराकल्स हैं। तो पोइट जो है यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मिराकल्स जो है वो कभी कभार रोनमा होता है, ठीक है। आर लुक एट स्ट्रेंजर्स ऑपोजिट मी राइडिंग इन द कार आर वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हीव ऑन ए समर फोरनून आर एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स आर द वंडरफुलनेस ऑफ द सन डाउन आर ऑफ स्टार शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट आर द एक्सक्विजिट डेलिकेट थिन कर्व ऑफ द न्यू मून इन स्प्रिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वॉल्ट विटमैन के लिए क्या है मिराकल्स हैं। स्ट्रेंजर्स के ऑपोजिट में बैठना, ठीक है, हनी बीज जो हैं उनको देखना जो कि अपने छते में मशगूल हैं, बी बना रहे हैं,
हनी बना रहे हैं, ठीक है, शहद बना रहे हैं, और एनिमल्स फीडिंग इन द, जानवर जो हैं वो घास चर रहे हैं किस में, फील्ड्स में, खेतों में, आर द वंडरफुलनेस ऑफ द सन डाउन आर स्टार शाइनिंग, सूरज और जो तारे हैं वो चमक रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है वॉल्ट विटमैन, ये विटमैन के लिए क्या है, मिराकल्स हैं, ठीक है। और न्यू मून जो है, थिन जो कर्व है उसकी, थिन आर्क जो है उसकी, वो भी विटमैन के लिए क्या है, वो मिराकल हैं। दीज विद द रेस्ट वन एंड ऑल आर टू मी मिराकल्स, ये सब चीज़ें जो हैं एक एक से ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जो हैं उस वॉल्ट विटमैन के लिए क्या है, मिराकल्स हैं। द होल रेफरिंग येट ईच डिस्टिंक्ट एंड इन इट्स प्लेस टू मी एवरी आवर, मतलब हर एक लम्हा जो है उनके लिए क्या है, चाहे वो डार्कनेस हो या लाइट हो, वो सब चीज़ें जो है क्या है, मिराकल हैं। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज ए मिराकल, छोटा से छोटा जो स्पेस जो है, जगह जो है, थोड़ी मतलब बिल्कुल छोटी जगह, थोड़ी जगह जो है उनके लिए क्या है, मिराकल है। एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्प्रेड विद द सेम, यानी कि स्प्रेड विद द मिराकल। एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर स्वैम्स विद द सेम, स्वैम मीन्स भरा पड़ा होना, ठीक है। टू मी द सी इज ए कंटिन्यूअल मिराकल, जो वास्ट सी है वो भी वॉल्ट विटमैन के लिए मिराकल है। द फिशेस, जो मछलियां हैं, दैट स्विम, तैरती हैं, द रॉक्स, चट्टाने, द मोशन ऑफ द वेव्स, जो लहरें हैं, लहरों का जो मोशन हरकत है, द शिप्स विद मैन इन देम, जो जहाज चल रहे हैं उनके अंदर जो पैसेंजर्स हैं, आदमी हैं, लोग हैं, वो सब जो हैं वॉल्ट विटमैन के लिए क्या है, मिराकल हैं। व्हाट स्ट्रेंजर मिराकल आर देयर, तो पोइट जो बोल रहा है दैट देयर कुड बी नो स्ट्रेंजर मिराकल देन दिस, इन चीज़ों के अलावा जो है कोई भी मिराकल स्ट्रेंज नहीं हो सकता, ठीक है। वॉल्ट विटमैन के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, मिराकल्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं।